वसल्लम की फरमान है, वमन सलाका तरीकन यतलबु बिही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्ना। जो इल्म हासिल करने के लिए निकलता है ना रस्ते के अंदर, वो जो है अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते आसान कर देता है उसको। देखें फार्मेसी का या मेडिकल साइंस का कोई मसला है तो उस मेडिकल साइंस की डेप्थ में कितना जाएंगे, फिर कुरान हदीस की डेप्थ में जाने के लिए जो उसूल चाहिए होंगे। हाउ विल यू डू दिस इफ यू आर नॉट इक्विप्ड विद द नॉलेजेबल वेपन्स। अगर इल्मी हथियार और असलहा नहीं होगा तो गिर जाएंगे हम लोग और गलती हो जाएगी और उसी के अंदर फिर हम उम्मत में मजीद फसाद करेंगे, मजीद तफरकेबाजी होगी। किसी गलत को गलत भी कहना तो उसके भी उसूल हैं। सुनते हम सबको हैं, मैं भी सबको ही सुनता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, और कभी आप देख लेंगे मेरी तरफ से कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नॉर्मली आती नहीं है, लेकिन मैं वल्लाह ही बहुत से लोगों को मतलब मैं तो एक तरीका होता है, अच्छी बात करने का भी एक ढंग होता है और बुरी बात करने का भी एक ढंग होता है, वो भी इल्म ही सिखाएगा आपको। ये इल्म सिखाएगा कि सख्त बात कैसे करते हैं और गलत बात को कैसे सुनते हैं, और गलत बात भी अगर करनी हो जो अगले को समझ नहीं आ रही होगी जो उसके लिहाज, ये इल्म सिखाएगा आपको कि किस तरीके से सही को गलत और गलत को मजीद सही करने की कोशिश करते हैं, सही को सही और गलत को सही कैसे करते हैं। सॉरी, इल्म बताएगा आपको, इसी कुरान को, इसी के दौरों को, इसी के प्रिंसिपल से गुजर गुजर के, तो लॉक्स लगाएगा आपके लिए, एक कैनवस बनाएगा पहले, फिर उस कैनवस के अंदर उन माइक्रोस से उस कैनवस को स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर उस कैनवस के अंदर लेवरेजेस और देखेगा कि लूप होल्स को किस तरह मैनेज किया गया। ये अगर हम सीखेंगे नहीं तो मास्टर कैसे करेंगे अपनी रूह को और अपने मसाइल। तो आगे इमाम बुखारी लिखते हैं फबदा बिल इल्म, इमाम बुखारी कहते हैं कि अल्लाह ने इल्म से शुरू की, वह अन्नल उलमा हम वरासत उलंबिया, नबियों की असल विरासत और इनहेरिटेंस दिरहम दिनार नहीं होती, उनकी असल विरासत अगर कोई आज नबियों की विरासत अगर चाहिए ना, और आपको भी अपने नबी की विरासत चाहिए और आप उसका शौक रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो अल्लाह की नबी का ही फरमान है इन्नल उलमा, इन्नमल उलमा या इन्नल उलमा और कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरसतुल अंबिया, नबियों के बारे से अहले इल्मी तो होते हैं, इन्हीं की जूतियां उठा के खिदमत करके तो आपने आपको कुछ अल्लाह के नबी की विरासत मिलनी है, चाहे वो आलिम आपको समझ में नहीं भी आता या आपको उसके कैरेक्टर से कोई इशू है या आपको उसके अखलाक से इशू है, इल्म तो उसी के पास ही है ना। तो दुनिया जहां के नीचे लग के हम अपने काम निकालने की कोशिश करते हैं तो भाई इधर भी थोड़ा नीचे लग जाए अगर उसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती आपको, लेकिन चाबियां तो उसी के पास है ना, वरना अगर हम खुद जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे कि ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल्लिल मुत्तकीन, सूरह बकरा की शुरुआत है। अब हर जगह ज़ालिका का मतलब होता है वो, ज़ालिका मतलब दैट, हाजा मतलब दिस, ये, मगर हर तर्जुमे में लिखा होता है ये किताब, तो ज़ालिका बेमाना हाजा कैसे कर दिया यहाँ पर। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही का मतलब तो होना चाहिए ना वो किताब जिसमें कोई शक नहीं है, हर तर्जुमे में लिखा होता है ये किताब, तो ज़ालिका बेमाना हाजा दैट बेमाना दिस कैसे कर दिया आप, कोई उसूल तो होगा ना, शौक नहीं पैदा करना सीखने का। ला रैबा फी ही कहा, ला रैबू फी क्यों नहीं कहा। फिर सबसे बड़ी बात है अल्लाह ने अपने कुरान की इब्तिदा की तो शक के एस्पेक्ट को क्यों डिस्कस किया पहले, सबसे पहले तो एस्पेक्ट डाल नहीं जाना चाहिए कि नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी वयुकीमूना सलाता वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून तो बाद में आ रहा है। तो ये तकदीम ताखीर सब्जेक्ट्स की और टॉपिक्स की कैसे हैं, कैसे पढ़ेंगे हम, कब समझेंगे हम ये मुराद क्या है और क्या माइंडसेट वो हमें देना चाह रहा है और किसको कहां प्लेस करना है। इससे पहले कि दुनिया के अंदर अजीम तरीन हस्तियां अल्लाह के पास चली गई और चली जाएंगी, कब सीखेंगे हम ये, व्हेन आर वी गोना लर्न अबाउट दीस थिंग्स। और हुदल्लिल मुत्तकीन तकवे को बाद में डिस्कस किया, जो नफ्स को कंट्रोल करने का एस्पेक्ट है, और शक को पहले डिस्कस किया गया, जो सर्टेनिटी और वहम वगैरह से डील करने के इश्यूज हैं। ये तरतीब ऐवें आ गई दुनिया के अंदर, नो देयर इज द बिग, ये तो इल्म ही यही है कि अल्लाह ने कुरान की इब्तिदा की, शक को डिस्कस किया सबसे पहले। हुदन जो है, हुदन लिल मुत्तकीन है, एक जगह अल्लाह ने हुदन लिल नास का है, तो कुरान में अल्लाह कहता है कि ये कुरान है हिदायत इंसानों के लिए, तो सूरह बकरा में हुदन लिल मुत्तकीन क्यों हो गया, सिर्फ मुत्तकियों के लिए हिदायत है, नहीं ये तो तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है, तो फिर यहां क्यों हुदन लिल मुत्तकीन आ रहा है। दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना, तफसीरें खोलनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा बड़ों ने क्या लिखा है इस पर, क्या तदबीक है, क्या माइंडसेट था, इस आयत से मुराद क्या है, इसको उसके
ये मुतलक को मुकय्यद, मुकय्यद को मुतलक पर मामूल किस तरह करते हैं, इनडेफिनेट को डेफिनेट और डेफिनेट और इनडेफिनेट को कंडीशनड आर्टिकल्स के ऊपर कैसे देख रहे होते हैं। कहीं पर आया कि खून हराम है और कहीं पर आया बहता हुआ खून हराम है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वो वाला खून हराम है या बहता हुआ खून हराम है, एक जगह सिर्फ दम आया दूसरी जगह दम मसफू, कैसे पता चलेगा ये। सिर्फ कुरान उठा के भी अगर ऐसे तर्जुमा भी पढ़ाओ नहीं सॉल्व कर सकते हैं बहुत सी चीजें, क्योंकि एक लिनियत चलती आ रही है ना इल्म की। और ये आपके सामने इतनी रसूख से मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की जगह पर बैठा हुआ हूं, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन जब हम आए इस मैदान के अंदर तो हमारे अंदर वो जो एक जहालत थी और एक नादानी थी उसने ये कबूल किया यार हमें नहीं आता कुछ, और हम तो बहुत पीछे रह गए। ये तो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, अब हमसे अगर निसाब की बात करें तो हम तो उनको एडवाइस ये करेंगे भाईजान ये कैसा आपने 10 साल की स्कूलिंग सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई इल्म का पहाड़ ही नहीं निकलता बाहर। 10 साल 9600 घंटे प्लस की एजुकेशन, ओ लेवल्स वाले हों मैट्रिक वाले हों, ये कैसा शख्स है कि वो किसी जगह के ऊपर कुरान की आयत खोल के, आज सुबह ही मैं वैसे ही मस्जिद गया, वैसे ही सूरह इब्राहिम खोली, वैसे ही पढ़ता गया, उसमें पढ़ते 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 अल्लाह ताला की तौफीक से एक आयत से गुजरा, ऐसा अजीब दिमाग खुला उसके ऊपर, ऐसे नुकात फील हुए यार ये बनता है इधर, यहां पर ये नुकता, जैसे अल्लाह ने कहा ना कुरान में इन अल्लाह यामरुकुम अन तस्बहु बकर, यहूदियों को क्यों कही अल्लाह ने, कुछ और भी कह सकता था। आगे से उन्होंने कहा अततखिज़ुना हुज़ूआ, तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ, उन्होंने मजाक की बात किस बेसिस पे ली थी वहां पर। फिर आगे से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा औज़ु बिल्लाहि नकूना मिनल जाहिलीन, फिर उन्होंने आगे से फिर सिलसिला शुरू हुआ कालू दुलाना रब्बा का जबजना नमा ही, उन्होंने कहा ये हमें पता नहीं गायें उदिक गया है, क्यों कहा उन्होंने, हीले बहाने की बुनियाद की बेस क्या थी। अल्लाह तस्किया नफ्स का पहला उसूल क्या है कि गायें पे छुरी नहीं फेंकनी, फेरनी अपने नफ्स की सबसे अजीज तरीन चीज पे छुरी फेरनी है, पर कितने उसूल निकलते हैं इसमें से, ये कैसे हमें पता चलेगा, इतनी आयतें हैं इतना जखीरा है हदीस का, कब शुरू करेंगे हम। तो मुश्किल है ये 8 साल है, ये मदारिस की मिट्टी की खासियत है, वहां जाके मिलेगा। लेकिन हमने इस कन्वीनियंस को आपके लिए और मुख्तलिफ लोगों ने किया होगा मुल्क के अंदर कि हमने अब तो हम ऑनलाइन आ गए। मैं तो सिर्फ कराची के अंदर कर रहा था इसको, सिर्फ कि नहीं भाई मैं पहले इसको अप्लाई करूंगा, इसकी प्रोज एंड कॉन्स देखूंगा, एक 250 सालों से सिस्टम और निज़ाम चलता आ रहा है, 8 साल के दरसे निज़ामी का जाएंगे, आलम दीन तैयार होता है, हम क्यों उसको किसी तरीके से किसी लिहाज से भी सेबोटाज करने की कोशिश करेंगे, उसको डिवेल करें। लेकिन देन आई स्टार्टेड सेइंग कि चलो ठीक है, वो तो एक हाईएस्ट लेवल का एकेडमिक स्कॉलर तैयार हो रहा है ना, हमें माशरे में हर आदमी को इतना तो इक्विप करना चाहिए इल्म के साथ कि वो अपने लिहाज से खिदमत करता रहे, सिस्टम को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करता रहे, मुल्क की भी खिदमत करे और हर एस्पेक्ट की भी खिदमत करे। तो उसके लिए कम से कम उस लैंग्वेज को कम करना, उर्दू अंग्रेजी का मिक्सचर करके थोड़ी सी अरबी का टच करा के कॉन्सेप्ट को खोलने की कोशिश करना, बड़ी बड़ी किताबों से छोटे छोटे उसके अंदर हैंडआउट्स के अंदर आना, मटेरियल को चेंज करना, बुक्स से अरबी किताबें हैं उनकी इबारतों से निकल के अपनी फ्रेज का एक कंटेंट बनाना, कितना कितनी तकलीफ काटी है हमने इसकी आप सोच नहीं सकते। फिर उसको 4 बच्चों को 5 बच्चों को पढ़ाना, फिर वो भाग जाना, फिर अगली एक लॉट पकड़ना, फिर उनको पढ़ाने की कोशिश करना, फिर उनका भाग जाना, फिर नई लॉट पकड़ना, और लॉट पकड़ते पकड़ते ही बूढ़ा हो गया शेख आते। तो करते कराते फिर एक बच्चा आया, फिर और टीचर, फिर अकेला ही पढ़ाता क्या करता, फिर जब खुद भी पढ़ रहा था तो आइडिया हो रहा था मुझे कि यार क्या क्लास अपार्ट नॉलेज है, आप सोच नहीं सकते। ये देखें नबी सल्लम की फरमान है, वमन सलाका तरीकन यतलबु बिही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्ना, जो इल्म हासिल करने के लिए निकलता है ना रस्ते के अंदर, वो अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। देखें